जनमानुष सेवा संगठन कांगड़ा द्वारा क्षेत्र के लोगों की फ्री सेवा के लिए 2 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर व 4 ऑक्सीजन सिलेंडर तथा 5 फ्लो मीटर का शुभारंभ किया गया। कोरोना काल में जरूरत आने पर इन सभी यंत्रों का शुभारंभ समाज सेवी अजय वर्मा व सुमन वर्मा ने किया। जन आयुष सेवा संगठन के 2 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर व 5 फ्लो मीटर शक्ति फाउंडेशन के राजीव अहल ने समर्पित किए हैं। आपको बता दें कि जब से कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ा है, तब से जनमानुष सेवा संगठन लोगों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रही है। इसके अलावा पूर्व में संस्था द्वारा इस क्षेत्र में अपनी सेवा बढ़ाते हुए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा 10 ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों की सेवा के लिए रखे गए हैं। इस मौके पर अजय वर्मा ने कहा कि कांगड़ा की ये पहली संस्था है जो कोरोना के दौर में संक्रमित लोगों की सेवा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर इन्हें सेवा करते देखा करता था और अपने आप में गर्व भी महसूस करता था कि मैं उस कांगड़ा जिला में रहता हूं जहां इस तरह की संस्था बिना किसी लालच के काम कर रही है। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे जनमानस सेवा संगठन के माध्यम से उनके जो कार्यालय है उसमें आने का मौका मिला और जो काम आज उन्होंने मुझसे कराया, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। आज उन्होंने 2 कंसंट्रेटर जो ऑक्सीजन के थे उनका शुभ आरंभ मेरे से करवाया है, उसके लिए मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभारी हूं। और सबसे ज़्यादा आभारी मैं इसलिए उनका और उनके जो है मैं बहुत ही तारीफ करता हूं, और कभी भी मुझे कोई मंच मिला जहां मैं कुछ कर सका तो इस एनजीओ को मैं सम्मानित करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कार्य ऐसे वक्त में कांगड़ा में शुरू किया जब इस कार्य की एक आम लोगों को बहुत ज़रूरत थी। लोग बिना सांस के मर रहे थे और उन सांसों का जो इन्होंने इंतजाम किया, जो कि एक ईश्वर का काम है, जैसे ईश्वर सांसें देता है, इस एनजीओ ने, इस संगठन ने लोगों को सांसें दी। इसलिए मेरा जो भगवान से भी प्रार्थना रहेगी कि इस एनजीओ को, जो ये सेवा संगठन है, इसको खूब तरक्की मिले, ये खूब फले फूले। और मैंने इनसे बात भी की है कि इसको अब बड़े अच्छे तरीके से चलाओ कि आने वाले समय में लोगों की सेवा किसी भी ढंग से हो सके, आप लोग करते रहिए। मैं, मेरा परिवार, हमारा संगठन हमेशा इस संस्था के साथ है। इनकी हर ज़रूरत जो हमसे पूरी हो सकेगी हम हमेशा करने की कोशिश करते रहेंगे, और कल्याण के कार्य के लिए ये जो इन्होंने कदम उठाया उसके लिए मैं फिर से इस सेवा संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और लोगों से प्रार्थना करूँगा कि वो इनका सहयोग करें, और लोगों का ये सहयोग कर रहे हैं, ईश्वर इनकी मदद करेगा। माँ कांगड़ा का पूरा आशीर्वाद है, माँ कांगड़ा का, उनके आशीर्वाद से ये खूब फलेंगे फूलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप इसी तरह से हमेशा लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद। इस मौके पर सुमन वर्मा ने भी संस्था की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने कोरोना काल में जो काम किया है उसके लिए सभी उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैं सबसे पहले ये जो इन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। मैं जब पिछले दिनों में कोरोना का बहुत ज़्यादा यहाँ पर चला हुआ था तो मेरे को पता लगा कि इन्होंने एक एनजीओ चलाई है जिससे ये ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं, घर घर जाकर, जहाँ इनको पता लग रहा है वहाँ पर घर घर जाकर दे रहे हैं। तो सुनकर बहुत खुशी हुई। हमारे शहर के ये सब लड़के थे तो ये इन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो मैं रोज़ रात को फेसबुक के ऊपर इनका काम देखती थी तो बड़ी खुशी होती थी इनको देखकर। तो मैं इनको एक अपनी ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो इन्होंने ऐसा अच्छा कार्य किया, और आगे इन सबको मैं यही कहती हूँ कि ऐसे ऐसे काम जब भी करेंगे हमारे लाइफ, जो भी काम होगा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी हमारे हम जो कर सकते हैं वो हम इनके साथ रात दिन जब भी मर्जी बोले हम इनके साथ हैं। तो मैं इन सबका एक बार फिर पुनः धन्यवाद करती हूँ।
इस मौके पर संस्था के तमाम सदस्यों में आए हुए मुख्य अतिथि को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष पंकज ओबराय ने कहा कि संस्था के शुरुआती दिनों में जहां जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन ने उनका हर कदम पर साथ दिया है, वहीं अजय वर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और आज संस्था जो भी काम कर रही है वो कहीं ना कहीं उनके सहयोग से है। अध्यक्ष ने कहा कि जब संस्था ने ये काम शुरू किया था तो इन्होंने ही कहा कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं वो सड़क पर नहीं होगा, इसके लिए कार्यालय की ज़रूरत है। और उन्होंने सबसे बड़ा सहयोग देते हुए संस्था को अपनी दो दुकानें दी, जिसके लिए संस्था इनकी आभारी है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि संस्था को अभी और कार्य करने हैं, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो कम से कम कांगड़ा को राहत पहुँचाई जा सके।